माय गॉड, अरे वेलकम टू मुंबई। तो फाइनली मुंबई आ चुके हैं और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज नोमैडिक चंदन और जैसा कि आपको बताने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं आज जा रहा हूँ, बता दूँ आपको, मुंबई। तो जा रहा हूँ निजामुद्दीन और निजामुद्दीन से मेरी ट्रेन है 4:30 पे, 2 बजने वाले हैं तो टाइम है मेरे पास। अभी जिस ट्रेन से हम सफ़र करने वाले हैं वो ट्रेन है गरीब रथ और मज़ा आएगा क्योंकि मुझे मुंबई जाने का बहुत ही मन कर रहा था बहुत दिनों से, तो फाइनली मुंबई जाने का मौका मिला है मुझे तो जा रहा हूँ। क्योंकि अभी सेकेंड वेव ख़त्म हुआ है कोरोना का, मुंबई का हाल क्या है, वहाँ पे ट्रैवलिंग कैसे हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, क्या क्या रेस्ट्रिक्टेड है वहाँ पे कि आप नहीं जा सकते, क्या कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है ना टोटल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, चलिए स्टेशन चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अंदर और देखते हैं हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर लगी है, 7 पे कहीं शो नहीं कर रहा है लेकिन चलते हैं फिर भी। और बता दूं आपको कि यहाँ से कभी कभार ही मुझे यात्रा करने का मौका मिलता है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ट्रेन ना साउथ की तरफ जाती है। क्या भैया ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 अभी साउथ जा चुका हूँ फादर के साथ और पहली बार जा रहा हूँ किला और देखता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि मुंबई यार सपनों की नगरी मुंबई, तो देखते हैं हमारा कौन सा सपना पूरा होता है क्लब में। तो चलिए फिर स्टेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा क्या है। प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और ट्रेन हमारी आ चुकी है, क्योंकि आगे अंदर 10 से बैठा हुआ था और ऊपर आगे भी आधे घंटे बैठा तो ट्रेन टाइम हो ही गया था और 3:25 हो रहा है टाइम और ट्रेन हमारी टाइमली है, 1 पहले तो प्लेटफॉर्म पर आगे लगना ही था इसको। तो बस सामने है हमारी गरीब रथ। अपने ट्रेन के अंदर क्या है, ट्रेन के अंदर का पोजीशन वैसे तो ट्रेन तो साफ सुथरी है और कितना है 43, ये 43। ओह माय गॉड, अरे ओह माय गॉड, अरे भाई ये कैसे हो गया, अरे अरे यार लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मेरे, जिन्होंने बताया कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ होगा, कभी ना कभी होगा, क्योंकि जो चीज़ें स्टार्ट होता है ना वो एक दिन ख़त्म होता है। ये बात इन्होंने बताई है मुझे, तब से स्टार्ट कर दी ब्लॉगिंग और ये यहाँ मिलेंगे, एक साथ जर्नी कर पाएंगे, वो भी मुंबई। कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं आप? मुंबई जा रहे हैं कहाँ? ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं। ट्रैवलिंग, ओह माय गॉड, नोमैडिक चंदन डबल हो गया ट्रेन के अंदर। ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, पहले भी हम लोग मिल चुके हैं और पहले कुछ जनवरी या फरवरी के आसपास में एक ब्लॉग हुआ था, एक दो तीन ब्लॉग हो रखे हैं। पटना वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, पटना म्यूजियम हमने साथ घूमा था, पटना नाइट लाइफ भी हमने एक्सप्लोर किया था और फाइनली 6-7 बाद आप लोगों का प्यार था, हमारी दोस्ती थी इसी जगह। अब आप लोग ये मजाक मत रहेगा कि पहले से आके बैठ गए थे और ये बाद में वीडियो बनाते आया, 10-12 दिनों का टूर है हमारा मुंबई में, तो आपको पूरा मज़ा आने वाला है क्योंकि अब दोस्त एक साथ घूमेंगे। आप जानते ही हैं कि दोस्त एक साथ हो जाते हैं तो क्या होता है, कब होगा, होगा पबजी होगा, क्लब होगा, जब दोस्त एक साथ हो जाते हैं ना तो लग जाते हैं पैसे के भाई। अब ये तो अपने ऊपर है किसके लगेंगे और कब लगेंगे, लेकिन हाँ मज़ा आने वाला है, साथ बने रहिए। तो चलिए थोड़ा इसका दिखा देते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। ये सीटिंग अरेंजमेंट और मुझे गरीब रथ में ये वाला थोड़ा टोटल आरएसी होता है और आरएसी में भी कंफर्म हो जाता है,
तो ये इस एरिया में ना मुझे तीन सीटें मिलती हैं तीन लोगों के लिए, इसीलिए ये वाला एरिया मुझे गरीब रथ में अच्छा नहीं लगता। और सब ट्रेन में दो ही सीट होते हैं, एक नीचे होता है एक अपर बर्थ होता है, और इसमें एक मिडल बर्थ भी है, जो तीन तीन रहते हैं। बैठने में थोड़ा ठीक होता है, लेकिन सोने के समय थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि स्पेस कम हो जाता है। तो कुल मिला के ट्रेन साफ़ सुथरा है, पूरा अच्छा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। स्टेशन से ट्रेन चल चुकी है, टाइम देख पा रहे होंगे। ओह माय गॉड, स्पीड तो अच्छी चल रही है, कितना 129। राइट टाइम पे पहुंची है मथुरा, कृष्णा जी की नगरी। जितना खाली था ना वो मथुरा में आके भर गया, आप देख रहे हैं कितना भीड़ हुआ है। यहाँ दो मिनट के स्टॉपेज है बस, पता नहीं कहाँ बैठेंगे। यहाँ सीट ऐसे ही फूल है पहले से ही। तो गाइस रात के 8 बज गए हैं और हमने खाना अंदर से लेना अच्छा नहीं समझा, सोच रहे हैं कि आज कुछ अलग एक्सपीरियंस करें, और खाना हम बाहर की कैटरिंग से मंगा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। तो ये है एक्सियागो का ऐप जिस पे हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं, इसका हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ से कर रहे हैं, यह सुविधा है। अगर आप भी करना चाहते हो तो यहाँ से कर लेना। तो हमने यहाँ से दो पराठे मंगाए हैं, कीनी को खाना है, रोटी हमने दो मंगाई है और दो पराठे, और उसके साथ दही आ रहा है तो हम दही से लपेट देंगे, है ना। सब्जी की ज़रूरत नहीं है, पैसे ही बचाने हैं, कल से स्टार्ट होगा मुंबई का सफ़र। तो अभी हम है कोटा रेलवे स्टेशन और यहाँ पे 5 मिनट के लिए स्टॉपेज है, रुकी हुई है। तो हमने सोचा कि यहाँ से कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, तो ढोकला उपेंद्र जी को बहुत पसंद आ गया है, तो ये ढोकला लेके जा रहे हैं। ये देखो इतना सामान, खाने वाला सामान ला के दे दिया हुआ है उपेंद्र जी को, फिर भी बोल रहे हैं कि और खाना है। क्या खाना है आपको? और छोले भटूरे। ओए पबजी ये बच्चा हमारा सीट ले बैठा है। A few moments later. Good morning guys. तो कैसे हैं? Finally सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे, और ट्रेन में सफ़र करना आप जानते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताइए कैसा रहा सफ़र? सफ़र बहुत बेकार रहा। क्यों? बहुत बड़ा बड़ा बैग, उस बैग में कुछ नहीं है, एसी चल रहा है। देखिए वो वाला बैग आपने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा हिमाचल वाला, उसमें कितना भारी बैग था मेरा, 25 किलो का बैग था, आज 5 किलो का हो गया है। ये कम दिनों का था तो सामान भी हमारे पास कम था, लेकिन नज़ारे बहुत ही मस्त है बाहर। वेदर जो है मुंबई का, उसमें सुनने में आ रहा है कि बारिश हो रही है, वेदर फेदर है वो अच्छा वेदर रही है। देखते हैं बारिश हो रही है क्या हो रहा है, जाने के बाद पता चलेगा। बारिश हो रही होगी तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अभी हमने हॉस्टल लिया भी नहीं है, और जाके हॉस्टल खोजनी है, उसमें भी बारिश हो रही होगी, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। शाम नहीं होगी, हमने ले दी भी नहीं, 1 बजे चेक इन होता है, तो 1 बजे तक ले लेंगे। वेलकम टू मुंबई। तो फाइनली मुंबई आ चुके हैं, और भूपेंद्र जी बताइए कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी कुछ नहीं बता, अभी कुछ नहीं बता रहे, कुछ सुनने में आ रहा है कि डबल डोज लिए हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे RT-PCR दिखाना पड़ेगा तब भी शायद बाहर निकल पाएंगे। ऐसे में अभी तक सुनने में आया, अभी कंफर्म नहीं है क्या होगा, देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, स्वागत है आपका मुंबई में एक बार और, सपनों की नगरी मुंबई। चलो फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, RT-PCR की कुछ रिक्वायर्ड है तो ठीक है, नहीं तो सीधा बाहर निकल जाएंगे। टेंडर RT-PCR चेक होगा तो दिक्कत हो जाएगी, हम भी निकलने हैं। अच्छा तरीका अच्छा है भाई, जहाँ आगे RT-PCR की जरूरत पड़ गई तो दिक्कत हो सकती है, यहाँ से आप निकल सकते हैं। देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, कहीं होती होगी तो वापस आके फिर निकल जाएंगे। स्टेशन से हम बाहर आ चुके हैं, और बाहर आने के लिए आपके पास दोनों वैक्सीन का डोज का सर्टिफिकेट है, तो आप दिखा के बाहर आ सकते हैं।
और नहीं है आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो भी दिखा सकते हैं, और दोनों में से कोई भी नहीं है ना तो वहाँ पे आरटीपीसीआर चेक हो रहा है, आपको चेक करेंगे और बाहर कर देंगे। तो कोई लेंदी नहीं है सिस्टम, आराम से आइए और आराम से घूमिए, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। 2 मिनट का बस थोड़ा सा लाइन लग रही है और हो जा रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगे हैं, बाहर आ गए तो आ गए हैं बाहर। देख रहे हैं बस स्टेन या मेट्रो, मेट्रो से जाएंगे वो अडाला की तरफ क्योंकि उधर ही थोड़ा नज़दीक रहेगा सब कुछ घूमने का, तो सोच रहे हैं कि उधर ही ले, हम हॉस्टल में ले या होटल में ले, जो भी मिलता है वो लेंगे और आपसे दिखाएंगे। यार बता दूँ, अगर आप अगस्त लास्ट में, जैसे हम अभी अगस्त लास्ट में आए हैं ना, तो गर्मी गर्मी बहुत है, उमस वाली गर्मी है, मतलब शरीर अंदर से उबलने टाइप लग रहा है, और देख ही रहे हो पूरा झुकी झुकी दिखाई देने लगा है। तो गाइस हम अभी आप लोकल का सफ़र करने वाले हैं क्योंकि बांद्रा से निकल के वहाँ से आए हैं लोकल स्टेशन, यहाँ पे लोकल स्टेशन बोलते हैं, तो भीड़ देख ही सकते हैं आप कितना भीड़ है, और हमने टिकट ले लिया यहाँ से दादर तक का, तो बांद्रा रूट दादर जा रहे हैं और वहाँ देखेंगे होटल मिलता है तो वहाँ लेंगे। यार तो यहाँ पे आप लोकल स्टेशन से सफ़र करते हो ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा पहले तो कहाँ से जाएं हम, तो लोकल का सहारा या जो पहले यहाँ से है उससे आपको पूछना ही पड़ेगा ये वाली ट्रेन कहाँ जाएगी। 2 मिनट ऊपर तो घूमते रहे, बाद में पता चला 12 नंबर से जाएगी, तो नीचे आए यहाँ तो खाली है। लेकिन लोकल ट्रेन की फीलिंग यार, लाइफ लाइन ऑफ मुंबई, बोले जाने वाली लोकल ट्रेन से आज सफ़र कराएंगे आपकी। ऐसा लग रहा है अभी अभी महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से बाहर आए, अब बाहर आते ही इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिला है ना, क्या ही बताऊँ, मतलब इतने रोड पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अभी जैसे सामने आपको मैंने दिखाया, और ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे ना, ये है धोबी घाट। धोबी घाट के बारे में बताएँ जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि सारे मूवी में जो भी धोबी घाट दिखाया जाता है ना यही दिखाया जाता है, और जो पीछे बड़ी बड़ी इमारतें सब हम आपको दिखाएंगे। अभी तो हमारा ये वही ब्लॉग चल रहा है जिसमें हम अभी दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं, तो पहुंच गए हैं और नज़ारे आप देख ही पा रहे होंगे। हमें थोड़ा दिक्कत हो गया इधर आने में, थोड़ा बस और स्टेशन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं चला था कौन सा ले, लेकिन फाइनली ये देखिए, दिस इज धोबी घाट। ओह माय गॉड, रूम ले लिया है और चेक इन कर भी लिया है। रूम खोजने में थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हुई है क्योंकि रूम तो मिल नहीं रहा था, जो मिल रहा था हमारे बजट से बाहर, तो भैया थे इन्होंने बहुत ही, मतलब ये समझे कि हाँ स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, पैसे की जरूरत कितनी होती है, तो इन्होंने मतलब 50% कम कर दिया था। कहाँ से लिया? मैं भी झारखंड से। ये झारखंड से, हमें समझ में आ गया था कि बिहार झारखंड यूपी से ही लग रहे हैं। और ये हमने होटल लिया है, अभी बताता हूँ, ये होटल है होटल मिनरवा रेसिडेंसी, और ग्रैंड रोड के तरफ है, और होटल देखिए, और मतलब क्या बताएं, थक गए घूमते घूमते, रूम खोजते खोजते। यही होता है कि आप अनप्लान्ड आते हैं ना कहीं पे, यही होता है, लेकिन मज़ा भी आता है कि हमें पता नहीं है कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या खाना है, सीधा फोन आया, चलो हाँ निकले, हाँ ठीक है, चल दिए उठा के भी, और टोटल जो भी करना है आगे करना है। उपेंद्र जी बोलिएगा, कैसा लगा आज एक्सपीरियंस? बहुत बहुत बेकार एक्सपीरियंस। यहाँ सबसे ज्यादा जो चार्जेस है वो है होटल का, कोई भी होटल जो है वो 3,000 से 5,000 के रेंज में ही मिलने वाला है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। और एक देखने को मिला, जितना भी हम मतलब 1,000 से नीचे के होटल है ना, ये तो था ठीक था,
और जितने भी होटल इसके पहले हम लोग देखे ना, एक तो 5 स्टार में चले जाओ तो बजट बढ़ जाती है, दूसरा आप बजट ट्रैवलर में जाते हो तो आपको रूम अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ वही मतलब करकट के नीचे आपको एक डोरमेट्री मिल रहा था 330 रुपए के वही करकट के नीचे, और ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेन के डब्बे में नहीं बना हुआ रहता है, उससे ही बेकार था। पहला बर्थ और सेकंड बर्थ और थर्ड बर्थ हमारे गरीब रथ से भी बेकार था। और उसमें आदमी जो मिलेगा लगेगा कि वो टेररिस्ट है और टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए आया है वहाँ पे। वैसे ही लग रहा है बंदा। यही बात है कि आप यहाँ पे आते हो तो होटल वगैरह पहले से बुक कर ले तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ आके खोजना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो थोड़ा सा प्लान करिए कैसे जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ रहना है, क्योंकि हमें तो थोड़ा दिक्कत हुआ है यहाँ पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे यार, और शेयर करना तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।